बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है और अब इस प्रतिभा को चार चांद लगाने की कोशिश की जा रही है। मिडिल क्लास फैमिली और गरीब बच्चे जिनके पास आईआईटी और एनआईटी में इसरो में जाने के लिए संसाधन नहीं है, उनके लिए अब रास्ता खुलने लगा है। राष्ट्रीय स्तर के परीक्षा के माध्यम से 30 बच्चों का चयन कर उन्हें आईआईटी गुवाहाटी में 4 दिनों का ट्रेनिंग दिलाया गया है और इन बच्चों के लिए सभी सहायता आईआईटी एनआईटी इसरो में जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इनमें से कई बच्चे ने बताया कि वो काफी गरीब हैं और अब उनके लिए आईआईटी और एनआईटी की परीक्षा पास करना आसान हो गया है। कैसा लगा गुवाहाटी से आए हो, क्या कुछ सीखे वहाँ? वहाँ से जाकर हम लोग सीखे कि वहाँ जाने के बाद हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, हम लोग और जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट्स वगैरह पढ़ाई के सिवाय भी हम लोग बहुत चीज़ों से जुड़ सकते हैं जिसका आइडियाज़ बहुत लोगों को नहीं होता, बहुत लोग नहीं देखते, हम लोग अभी ही देख लिए जिससे हम लोग को बहुत ज़्यादा। पापा क्या करते हैं? पापा टीचर। क्या लगता है संस्था ने NLCE ने कितनी मदद की आपके बेहतर भविष्य के? NLCE के कारण ही हम लोग जा पाए, हम लोग देख पाए, वरना शायद नहीं देख पाते अगर ये लोग नहीं होते, अगर मैं फॉर्म नहीं भरती, अगर ये लोग एग्ज़ाम नहीं लेते। क्या कहोगे बाबू, गुवाहाटी से आए हो, कितना अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा आईआईटी गुवाहाटी से आने पर, एक अलग ही रौब जमा हुए हैं स्कूल में कि मैं आईआईटी गुवाहाटी चल गया बिना आईआईटी का परीक्षा दिए हुए, वहाँ पर घूम लिए। 3-4 दिनों का वर्कशॉप चला, क्या कुछ सीखे? सीखने के लिए तो वहाँ पर बहुत ही कुछ मिला, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े आदमियों से मिले, इसरो के एक्स चेयरमैन से मिले, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर साराभाई के बारे में, फिर मंगलयान के बारे में, और भी बहुत सारे वहाँ पर रुपीज का जो डिजाइन दिए थे उदय कुमार, उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने डिजाइन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी एक सुपरवाइजर हैं। क्या लगता है कि संस्था का कितना NLCE का साथ रहा, क्या आप वहाँ तक पहुँचे? मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मैं कभी बाहर बिहार से तेज जा पाऊँगा, लेकिन NLCE द्वारा मुझे बाहर लेके ले जाया गया और भी बहुत कुछ सीखने को मिल गया। अब लगता है कि आगे चलकर ये आपके भविष्य के लिए कारगर साबित होगा? जी हाँ। क्या नाम हुआ? शंकर सुमन। आपका बाबू? लक्षिता। इस बार 2022 एडिशन उसका 21 अगस्त को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया बिहार के 29 जिलों में। तो NLCE की जो परीक्षा है वो NPCO द्वारा संचालित की जाती है जो कि प्राइवेट संस्था है, और अभी करेंटली जो हमारा मार्केट है, अगर हम एडमिशन मार्केट की बात करें राइट, तो क्या होता है कि अपने मार्केट में बहुत सारे टैलेंट हंट एग्ज़ाम्स हैं, हर एक कंपनी अपना खुद का या हर एक कोचिंग अपना खुद का टैलेंट हंट एग्ज़ाम करवा रही है, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो कंपनीज़ हैं, ये संस्थाएँ हैं, ये ट्राई करती हैं कि सिर्फ टायर वन सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ और उनमें भी जो बड़े स्कूल्स प्राइवेट संस्थाएं होती हैं वहाँ के बच्चों के लिए वो एग्ज़ाम कराती हैं, तो ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं जो छोटे तबके के बच्चों के लिए Tier 3, Tier 4 गांव के बच्चों के लिए एग्ज़ाम कराएं और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें, ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम हैं। तो ये जो NLCE का प्लेटफॉर्म है ये एक उसी तरह का प्लेटफॉर्म है जो कोशिश कर रहा है कि जितने भी अलग अलग लेवल के स्कूल्स हैं, बच्चे चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हों, एक NGO के ही बच्चे क्यों ना हों, वो सारे बच्चे भी आगे आ पाएँ और इस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा पाएँ। तो NLCE इन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू बच्चे अच्छा एक्सपोजर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि इस बार हमने बच्चों की IIT विज़िट कराई, तो हमारा विजन यही है कि हम बच्चों को आगे और बढ़ावा देना चाहते हैं ताकि वो अपने करियर में 12वीं से आगे बढ़ने के बाद या 10वीं के बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके कि उन्हें किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहिए। तो यही मेन मोटिव है NLCE परीक्षा का। थोड़ी सी और जानकारी देना चाहूँगा क्यों हमने ये परीक्षा बिहार में सिर्फ की। बिल्कुल, जहाँ तक उड़ान देने की बात है तो हाँ, हमने पिछले 2-3 महीनों में, जब से 9 अप्रैल से हमने NLCE का एक कार्यक्रम 2022 का स्टार्ट किया था, तो तब से हम बिहार के सारे ही ज़िलों में लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे हैं, और उसमें से जो टॉप के 1% बच्चे हैं उनका साक्षात्कार करके, और ये 30 बच्चे हमने सेलेक्ट किए जिनको IIT गुवाहाटी हमने भेजा 4 दिन की शैक्षिक यात्रा के लिए। उद्देश्य क्या? इस एग्ज़ाम के पीछे का जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि हम चाहते हैं कि ना सिर्फ
एक टॉप टायर सिटी, टायर वन सिटी के बच्चों को मौका मिले, बल्कि सारे ही बच्चों को, चाहे वो टायर सिक्स सिटी से हो, किसी गांव से हो, या फिर किसी एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो, इनफैक्ट किसी एक एनजीओ में पढ़ने वाला बच्चा हो, हम सारे ही बच्चों को इक्वल लेवल पे अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं और हमारा मेन उद्देश्य वही है। और उनको अल्टीमेटली हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे वो बच्चा इतना टैलेंटेड हो जाए या उसको इतनी जानकारी मिल जाए कि उसको आगे चल के किसी और पे रिलाई ना करना पड़े एज़ फार एज़ उसकी एजुकेशन का सवाल होता है, वो खुद से डिसीजन ले सके। अभी जो बच्चे गुवाहाटी गुवाहाटी में, जैसा मैंने बताया, हमारी 4 दिन की ये शैक्षिक यात्रा थी, इसमें 3 दिन बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए बच्चों ने। जो वो अच्छे प्रोग्राम थे, मेजर प्रोग्राम थे बच्चों के पर्सपेक्टिव थे, वो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वर्कशॉप थी इनकी, जो कि काफ़ी अच्छे से कंडक्ट हुई, सारे बच्चों को सर्टिफिकेट भी मिला उस पर। उसके बावजूद बच्चों के लिए वेब डेवलपमेंट की भी वर्कशॉप की गई, उससे भी काफ़ी अच्छा आउटपुट रहा बच्चों के लिए। बच्चों को IIT के लाइफस्टाइल या IIT के बच्चों से इंटरेक्ट करने का भी, चाहे स्टूडेंट्स हों, एलमनाइज हों, सारी चीज़ों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो खेल का सवाल हो, हमने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, लाइब्रेरी दिखाई, वहाँ के क्लब्स दिखाए, तो बच्चों को IIT में पढ़ाई के अलावा जो भी चीज़ें होती है उन सब चीज़ों से भी काफ़ी अच्छे लेवल पे हमने इंटरेक्ट करवाया, ताकि बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि चाहे IIT में क्या होता है। देखिए, ये जो बच्चे होते हैं ये हमारे, जैसा कि मैंने बोला, 250 लोगों की हमारी जो टीम है सारे ज़िलों में जो काम कर रही है, तो वो सारे लोग वहाँ पे जो भी छोटे छोटे विद्यालय होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल्स हों, सारे ही विद्यालय वो विज़िट करते हैं और बच्चों के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो ये पूरे बिहार के ही बच्चे हैं, सारे अलग अलग ब्लॉक्स के बच्चे हैं। और उसके बावजूद जो लॉन्ग टर्म विज़न की मैं बात करूं, तो NLCE को हम एक ऐसा एग्ज़ाम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं कि बच्चा अगर आगे अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहता है, एक्सपोजर लेना चाहता है, या शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी चीज़ है जो वो करना चाहता है, तो NLCE एक ऐसा प्लेटफॉर्म उसको प्रोवाइड कर सके कि यहाँ पर अच्छा करने के बाद उनकी आगे की जर्नी थोड़ी आसान हो जाए। वो थोड़े तो हम, चूँकि हमारी योजना इस साल के NLCE के थ्रू 150 बच्चों को IIT भेजने की थी, 5 बच्चों को NASA और 15 बच्चों को ISRO भेजने की थी, तो अभी आगे चल के दिसंबर के महीने में हम IIT बॉम्बे भेजने वाले हैं बाकी बचे हुए छात्रों को, और अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर हम बच्चों को NASA और ISRO भी भेजेंगे। अभी बाकी बचे हुए बच्चों का साक्षात्कार होगा, उसके बेसिस पे बच्चे सेलेक्ट होंगे और उनको फिर NASA और ISRO और IIT भी भेजा जाएगा। मेरा नाम गौरव सिंह हुआ और ये मेरी सेंट्रल टीम है जिन लोगों ने पूरे जिलों में काम किया, और करेंटली मैं सह संस्थापक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ।